क्या रहता है वो जो सुपरफिशियल लाइफ जीता है ना, जिसका बहुत ही छिछली रुचि है सब चीजों में, वो असंतुष्ट रहता है जीवन के सामान्य स्थितियों के साथ और वो हमेशा भाग्य को इसके लिए कोसता है। जो सुपरफिशियल लाइफ जीता है ना, उसके जीवन में कुछ उल्टा सुल्टा घटे और इमीडिएटली क्या करता है, इसको ब्लेम करता है वो, क्या करूं मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि जीवन में उल्टा सुल्टा क्यों घट रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ बहुत ही सुपरफिशियल स्तर पे जी रहे हो। जैसे एक खराब कारीगर अपने ही औजारों को क्या कहता है, कारीगरी आती नहीं, जैसे पता है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी कारीगरी आती नहीं है, लेकिन कुछ बल्टा सल्टा बना दिया आइटम तो बोलेगा क्या करो मेरा औजार। अरे औजार को धार लगाने को कौन मना किया तेरे को, धार लगाना उसको, धार लगाएगा तो काम अच्छा होगा ना, लेकिन वो धार लगाता नहीं है, इसलिए क्या कहता है अपने औजारों को क्या करता है वो, बुरा भला कहता है। यह नाराज व्यक्ति अपने आशीषों को नहीं गिनता है, वी शुड काउंट अवर ब्लेसिंग्स, हमें इतने आशीष हैं, अगर उनको काउंट करने बैठे ना तो कभी हम कंप्लेन करेंगे नहीं। लेकिन ये जो आदमी जो सुपरफिशियल लाइफ जीता है ना, वो नाराज आदमी हर एक चीज से क्या होता है, वो नाराज रहता है और छोटी छोटी चीजों में क्या करता है, दूसरों के ऊपर ब्लेम करने लगता है, बल्कि वो कलह लेके चलता है उसके विरुद्ध, जिसको वो क्या बुलाता है, अपनी किस्मत बुलाता है, वो कहता है किस्मत का दोष है, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा उल्टा सुल्टा लाइफ में हो रहा है। कर्मों की हवा सागर की सतह पर ही लहरें निर्माण करती है, मगर गहराई में जाओ तो वहां पे कोई लहर नहीं होती नहीं है। देखा है आपने, इस प्रकार से देखो सागर की सतह पे कितनी लहरें हैं, कोई बीच पे जाओ कितनी लहरें होती है, और वहीं स्क्यूबा डाइविंग वाले नीचे चले जाते हैं, कहां पे गए हो कभी अंडरग्राउंड, है ना, हम तो गए थे एक बार हांगकांग में, वहां पे गए थे अंडरग्राउंड, तो वहां पे जाके देखोगे तो बिल्कुल कोई लहर वहां पे होती नहीं है। यानी जो लोग सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं ना, उनके जिंदगी में लहरें ही लहरें आती हैं, लहरें लहरें यानी क्या, उल्टी सुल्टी घटनाएं घटती हैं, और उसके लिए वो किसको ब्लेम करते हैं, अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा था, या दूसरों को ब्लेम करेंगे कि तूने ऐसा किया ना इसलिए मेरी जिंदगी में क्या हो गया, ऐसा घटा, तूने ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो जाती, दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि जो गहराई में जाता है वो कभी दूसरों को ब्लेम करेगा नहीं, वो क्या करेगा वो आगे बताते हैं किस प्रकार से। गहराई में हम उतरे यानी हमने क्या किया, किस्मत को बदल डाला, अपनी किस्मत को हम बदल सकते हैं अगर हम गहराई में उतर गए, क्योंकि गहराई में जाने वाला व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता बल्कि अपने अंदर काम करता है, उसको मालूम है कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरी जिंदगी में उसका कारण बाहर नहीं है, बाहर की परिस्थितियां या बाहर के लोग नहीं है, उसका कारण है कि मैं अभी तक गहराई में अंदर में डुबकी मैंने लगाई नहीं है, इसलिए ये बाहरी प्रॉब्लम्स मेरे को नजर आ रहे हैं। सफल जीवन जीने का अर्थ गलतियां न करना नहीं होता बल्कि निजी गलतियां करना, और जिन्हें हम दूसरों के अनुभव से नहीं बल्कि खुद करके देखते हैं और सीखते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि गलती करो, हर एक इंसान गलती करता है, हर एक इंसान को गलती करने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक ही गलती को एक बार करो, उसको बार बार रिपीट करोगे तो वो बड़ा महापाप है। एक गलती की उसे सीख लो और फिर दूसरी बार वो गलती हमें नहीं करनी। एक बार धोखा खा लिया ना कि हमने ऐसा चला, हमने लाइफ अपनी सुपर में चली जी, हमको ये तकलीफें सहन करनी पड़ी, अब तो कम से कम गहराई में जाएं और वो गलती हम फिर से रिपीट ना करें। ये कहते हैं डॉक्टर सहजी, जीवन जो है ये भोग भूमि या विलासवाद की जगह नहीं है, ये क्या है, एक ज्ञान भूमि है, ज्ञान भूमि है, एक ज्ञान प्रशिक्षण। आप लोग जो हम लोग यहाँ पे भेजे गए हैं, इंसान की योनि में जन्म हुआ है हमारा, ये कोई मौज मस्ती करने को नहीं आए यहाँ पे कि आए और मौज मस्ती किया और फिर से चले गए, क्योंकि पता है फिर से आएंगे अगले जन्म में, फिर मौज मस्ती करेंगे, फिर जाएंगे, ऐसे ही हमारा जन्मों जन्मों तक खेल चलते रहा। कितने जन्म लेने पड़ेंगे रूपेश हमको, करोड़ों जन्म, तब भी जाके हम लोग उस CCS को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हमने जिंदगी को क्या समझा, भोग भूमि
या विलासवाद की जगह समझा, लेकिन उसको अगर हमने ज्ञान भूमि समझा और ज्ञान प्रशिक्षण, यानी यहां पे हम सच्चे ज्ञान की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजे गए हैं, और ये सच्चा ज्ञान हमको क्या करेगा, मदद करेगा हमको कहां तक पहुंचाने के लिए, उस सीसीएस तक पहुंचने के लिए। तो वो जो ज्ञान हमको मदद करता है वही ज्ञान वो हासिल कर रहे, वो कौन जाएगा, जो गहराई में डुबकी मारेगा, जो सुपरफिशियल लाइफ जिएगा ना, उसको तो लगता है ये जिंदगी मिले ना। सुन देखिए ना पिक्चर, वो दोस्तों कैसे लेके जाते हैं उसको, ऋतिक रोशन को, चल घूम मजा कर, फिर ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, और मिलेगी तो पता नहीं मनुष्य जोनी में जन्म लोगे कि कुत्ते बिल्ली की जोनी में जन्म लोगे, फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस से हम लोग सिंपल कॉन्शियसनेस में तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा भी डर लगता है। तो इस प्रकार से ये जीवन आप चिंता ना करो, जब तक आपने मनुष्य योनि से खुद को मुक्त नहीं किया ना, तब तक आपको बार बार कंपेल किया जाएगा कि मनुष्य योनि में ही आपका जन्म होने वाला है, इसकी चिंता नहीं करो। एडवांस ज़ेन योग में डॉक्टर सहज ने क्लियरली लिखा है कि हमारी जो मनुष्य योनि है ना वो हमेशा कायम रहेगी, हम लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए थे और आगे भी सफर हमारा इसी योनि में चलेगा, कब तक, जब तक हमने खुद को इससे मुक्त नहीं किया। और मुक्त करने का तंत्र है, पहले हमको क्या करना चाहिए, कहां तक पहुंचना है, शिवनंदन सीसीएस, वेरी गुड। चलो, यदि हम उत्तरी जिंदगी जिएंगे तो हमारे जीवन में बाधाएं आती है, और ये भाग्य का अन्याय नहीं है बल्कि संकेत है कि हमने अभी तक जिंदगी को गहराई से अनुभव नहीं किया। अगर आपकी जिंदगी में कभी भी, मैं देखता हूं मेरे जिंदगी में अगर कुछ भी उथल पुथल होती है, कुछ भी नेगेटिव घटता है, जो मैं न चाहता हूं वो घटता है, तो वहीं पे अंदर आत्म विश्लेषण करना शुरू करना है कि ये जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जब चीजें, यानी मुझे करोना हुआ तो क्यों हुआ, ये अंदर जाके ढूंढना है कि मैं तो अपनी लाइफ जी रहा था बरोबर से, फिर भी मुझे करोना हो गया तो उसका कारण क्या है, अंदर ढूंढना है। नहीं तो बोलेंगे वो रिलेटिव आया था ना, वो करोना का विषाणु लेके आया और मेरे को फैला के गया और मेरे को हो गया, तो क्या करेंगे दूसरों को, जो सुपरफिशियल लाइफ जिएंगे वो क्या करेंगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम करेंगे, जबकि वो बोलेगा दिल्ली से आया ना, दिल्ली में कोरोना बहुत था, उस टाइम आया मेरे घर में और मेरे को आगे कोरोना फैला गया, जबकि अंदर जो गहराई में जाएगा ना वो क्या सोचेगा, अरे वो दिल्ली वाला क्या फैलाएगा, अरे मैंने अपने कर्म बरोबर नहीं किए, मैं अपनी लाइफ सुपरफिशियल जी रहा हूं, मैं अपनी लाइफ मौज मस्ती में जी रहा हूं, इसलिए मुझे कोरोना हुआ, मैं ऐश कर रहा हूं, मैं उल्टे सुल्टे खाने खा रहा हूं, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है इसलिए मुझे अटैक किया, ये मुझे जंतु देने में सक्षम ही नहीं हो सकता है जब तक मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति कम ना हो, तो वो अपने ऊपर ब्लेम करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ इम्यूनिटी नॉट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पर्सन। ये फर्क है जो लोग सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं और जो लोग गहराई में जाते हैं, जो गहराई में जाएगा वो अंदर कारण ढूंढेगा, जो सुपरफिशियल जिएगा वो बाहर कारण ढूंढेगा, और सुपरफिशियल लाइफ को चला के रखने के लिए क्या लगती है हमको, किक्स या तो मानसिक बेला, वो जिंदगी भर ऐसे ही, चलो आज पार्टी, आज चलो दारू पार्टी, आज यहाँ पे पार्टी, आज बड़े होटल में पार्टी, ये करो वो करो, इसी देखो दुनिया में लोग जैसे ही कोरोना थोड़ा लॉकडाउन खुला और दिल्ली वाले पहुंच गए शिमला, सारा भीड़ी भीड़ शिमला में लगी पड़ी, पूरी ट्रैफिक जाम लगी पड़ी, बरोबर बोल रहा हूं कि नहीं, यानी अभी इतना मौत का भयंकर तांडव देखा दिल्ली वालों ने, लेकिन फिर भी नहीं, जैसे ही खुला और थोड़ी फ्रीडम मिली और हमारे ई और एस सेंटर ने हमको क्या दिया, चलो घूम के आते हैं, कितने दिनों से अटके हुए, एक साल से बैठे घर में बोर हो गए, अब तो चलो घूम के आए, अब तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा लिफ्ट किया है बैन और अभी कारें वारे जा सकती है, तो हम लोग चलो घूमने, तो इस प्रकार से आदमी उसमें सतही जिंदगी जीता है, उसको किक्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम गहराई में गए तो परिस्थितियों में बदलाव हमारे पीछे पीछे आता है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वो भाग्य को अन्याय के रूप देखता है बल्कि संकेत है कि हम लोग गहराई में नहीं जिए हैं, अगर आप गहराई में गए ना तो हमारे परिस्थितियों में बदलाव अपने आप आने लगता है हमारे पीछे पीछे, जैसे आपने गहराई में डुबकी लगाई ना तो जो करोना आने वाला था ना वो भी क्या हो जाएगा, टल जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, अभी अपनी लाइफ को डेप्थ में जाने लगे, तो जो उल्टी विपरीत परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आने वाली थी ना वो भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, अगर आपने गहराई में डुबकी लगाई। गहरी रुचि से उत्पन्न सच्चे उत्साह से बाहरी बाधाएं क्या हो जाती है,
बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, अभी गहरी रुचि और इंटरेस्ट आपका कायम होगा। गहरी रुचि यानी किसी खास चीज या व्यक्ति में रुचि नहीं, बल्कि आत्मरुचि, और यही सच्चा उत्साह। यानी अंदर में रुचि होनी चाहिए, अंदरूनी रुचि होनी चाहिए, और अंदरूनी जब रुचि आ गई ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके उत्साह को लाती है। इससे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज घटती है, डॉक्टर सैयद जी बताते हैं कि आपकी संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। जब आपका इंटरेस्ट डीप हो जाता है और जब आपको उससे अनुभव आने लगते हैं और जब आपका उत्साह क्या हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, तो उससे आपकी सेंसिटिविटी, जिसको बोलते हैं संवेदनशीलता, में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो शिवनंदन, फिर छोटी छोटी प्रक्रिया भी करोगे ना, तो उससे आपको क्या आने लगेंगे, अनुभव आने लगेंगे, क्योंकि आपकी जो पहले आपको रियलाइज भी नहीं होता, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम थी, आपका आप बरोबर से उसको एनालाइज नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या किया, आपने गहराई में गए ना, आपकी रुचि निर्माण हो गई, आपका उत्साह निर्माण हो गया ना, तो छोटी छोटी, अब खाली किताब को पेट में रखना इसमें क्या नई चीज है भाई, कौन सी बड़ी बात है तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें आपको क्या हो गया, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, तो आपको अनुभव छोटी छोटी चीजों से भी आने लगे, और जैसे जैसे अनुभव आने लगेंगे उतना उतना उत्साह और रुचि हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हाइटेंड सेंसिटिविटी आपको सीसीएस तक बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी। या आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उत्साह होगा तो हाइटेंड सेंसिटिविटी होगी, और ये सेंसिटिविटी हाइटेंड का मतलब क्या है, हमारी ग्रहणशीलता, जिससे हम अपने परिवेश को या खुद को बारीकी से देखते हैं, अनुभव करते हैं। छोटे छोटे दोष भी होंगे ना अंदर आपके शिवनंदन, तो छोटे छोटे दोष, मेरे मन में ये गलत विचार क्यों आया, उसको भी क्या करोगे आप, अब पकड़ लोगे, इसको कहते हैं हाइटेंड सेंसिटिविटी। तो ऐसा आदमी जिसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, वो कभी भी बाहर के चीजों में क्या करेगा, दोष देना बंद कर देगा। उसका काम यही होगा कि मैं अंदर विश्लेषण करूं और अपने सूक्ष्म दोषों को भी क्या करूं, उखाड़ के फेंक दूं, तो उसकी लाइफ में प्रगति क्या हो जाती है, बहुत ही जल्दी होती है। संवेदनशीलता में वृद्धि से क्या हो जाती है, इससे नीरसता, बोर्डम क्या हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको जब अनुभव आने लगते हो ना, तो आदमी बोर क्यों होगा, अब आप लेक्चर सुन रहे हो, अब आपको अनुभव ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर बोर, क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट आ गया, उसमें अनुभव आने लगे, तो फिर क्या होगा, आपका नीरसता, जो बोर्डम होता है ना, वो उससे खत्म हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज में अब उसको क्या आने लगते हैं, गहरे अनुभव आने लगते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी इस क्षेत्र में। अगर आपको लगता है कि मुझे परसों जाके घर में रोज अभ्यास करना है, तो इस चीज में गहरी रुचि और उत्साह के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। और जितनी गहरी रुचि, जितना उत्साह, उतने अनुभव आएंगे, और जितना अनुभव आएगा उतने ही आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप छोटी छोटी चीजों में और गहरे गहरे अनुभव प्राप्त कर सकते हो। यहां पे समझा, तो डीप इंटरेस्ट यानी आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रमुख समस्या समझ गए कि क्यों हम लोग अपना इंटरेस्ट नहीं कायम रख सक पाते हैं और उत्साह नहीं होता है, क्योंकि हमको अनुभव नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियल लेवल पे जी रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उस पर गहराई में जाएं, लेकिन गहराई में जाओगे कैसे भाई, उसका फॉर्मूला क्या है, वो आगे बताएंगे कैसे हम लोग गहराई में उतर सकते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डॉक्टर सैयद जी बताना चाहते हैं कि कुंडली योग के छठ चक्र और जैन योग के सात केंद्रों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सुना होगा ना, कुछ लोग पढ़ते हैं कुंडली, कुछ किताब पढ़ रहे थे ना, हाँ, क्या बोलते हैं, सात चक्र हैं हमारे अंदर, क्या है, सात चक्र, कौन से सात चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इनको मालूम है सब ना, मणिपुर, और फिर अनाहत, और फिर विशुद्धि, फिर बिंदु, और फिर चोटी में सहस्त्रा, यहां पे पहुंच गए, यानी पहुंच गए। तो ये सात चक्र लोग बोलते हैं कि भाई ये सात चक्र हैं, और आप बोलते हो जैन योग में भी क्या है, सात केंद्र हैं, तो इनका आपस में कोई संबंध है क्या, डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर सैयद जी तो और आगे बढ़ के कहते हैं, जो कोई बताने को तैयार नहीं है
कि सात चक्र आपके फिजिकल बॉडी में होते ही नहीं है। ये सब मिथ्स है जो हमको कराया जाता है। षट चक्र ध्यान ये सिर्फ मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है जो गुरुद्वार के आजू बाजू में होता है जहां पे आपकी कौन सोई हुई है कुंडलिनी। कौन बोला कुंडलिनी साढ़े तीन बकोरे मार के ऐसा सोई हुई है वही चक्र है जो फिजिकल बॉडी में रहता है। बाकी स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि बिंदु सहस्त्रा ये आपके फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं। ये होते हैं किसमें? मॉलिकुलर बॉडी में होते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और अब तक हमको तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ नहीं है लेकिन उसके इंप्रेशन फिजिकल बॉडी में पड़ते हैं क्योंकि जहां जहां पे वो लोकेटेड होते हैं ना फिजिकल मॉलिकुलर बॉडी में उसके इंप्रेशन फिजिकल बॉडी में पड़ते हैं। इसलिए हमको क्या लगता है कि ये स्थान है इन चक्रों का। इसलिए हम लोग क्या कराते हैं? षट चक्र ध्यान करो। उसके लिए फिर बोलो ये कल्पना करो आपके इस चक्र को इतने कमल के फूल हैं, इसकी इतनी पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है, अब करो षट चक्र ध्यान। लोग कर करके थक जाते हैं षट चक्र ध्यान लेकिन मन तो सुधरता नहीं है। तो ये मन के साथ केंद्र और वो षट चक्र आपका कोई संबंध उसमें नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्स को निकाल देना है। एक क्लियरली डॉक्टर सहज जी इस किताब में इस जगह पे हमको बताते हैं यानी कहते हैं कि षट चक्र ध्यान के चक्कर में मत पड़ो। पहले इन केंद्रों को क्या करो? सुनियोजित करो। कौन से केंद्रों को सुनियोजित करना है हमको? आई एस। बस हमारा काम है इनको कैसे सुधारें। जो बेचारा आए दबाया जाता है किसके माध्यम से? ई और एस। क्योंकि क्या है उनकी क्या है तीव्रता क्या है ज्यादा है और वो हमेशा दोस्ती मिलके काम करते हैं वो हमेशा आय को दबाते हैं। कैसे इस आय को इन ई और एस के चक्कर से चुंगल से क्या करें हम मुक्त करें ये हमारा क्या होना चाहिए प्रमुख कार्य न कि षट चक्र ध्यान। वैसे भी ध्यान जमता नहीं। ध्यान कब जमेगा हमको? कब जमेगा भाई? जब हम सेक्शन 2B में पहुंचेंगे नो मैन्स लैंड को क्रॉस करेंगे। अभी तो किया ही नहीं है तो क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें और षट चक्र ध्यान करें जो कि षट चक्र आपके बॉडी में है भी नहीं और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं काल्पनिक ध्यान कर रहे हैं। इससे अच्छा है जो शाम को एक प्रक्रिया बताएंगे आपको ज़ेन योगा में जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग उसका अभ्यास करो ध्यान से ज्यादा उपयोगी है। अब हम दो जाते हैं दो और महत्वपूर्ण शब्द है। इस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे नए नए शब्द आपको डॉक्टर सहज जी देंगे। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वासनास एंड वासना। वासना का नाम बोलते ही लोगों के मन में खपकपी आ जाती है कौन सी वासना की बात करेंगे भाई क्योंकि वासना के बारे में हमने सुना है वासना है सेक्स की वासना है ना ऐसे लोग सोचते हैं वासना ये बहुत वासनीय आदमी वासना से भरा हुआ आदमी है यानी सेक्स की वासना उसके अंदर क्या होगी बड़े। तो यहाँ पे उस वासना का इस वासना से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं ट्विंस शब्द। क्या है? ट्विंस होते हैं ना जैसे बच्चे दो लोग ट्विंस होते हैं एक का नाम है राम दूसरे का नाम क्या है श्याम। एक का नाम है सीता दूसरे का नाम क्या है गीता। तो इस प्रकार से दो शब्द हैं जिसको बोलते हैं ट्विंस ऑफ टर्म्स। एक होता है छोटी वी वाला वासनास और एक होता है बड़ी वी वाला वासना। एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ बड़ी भी है और प्लूरल के साथ क्या है छोटी भी है। इनमें अंतर समझना पड़ेगा। तो छोटी भी वाला वासना यानी जो प्लूरल है उसको मतलब क्या होता है हमारी आदतें। वासना यानी और कुछ नहीं क्या है हमारी आदतें पसंदें और नापसंदें। बचपन से लेके मुझे कुछ चीजें पसंद है कुछ चीजें पसंद नहीं है। गुलाब जामुन बहुत पसंद है आगे सामने रखो प्लेट में तीन दिन खा जाऊंगा और वही करेले की सब्जी मैं बिल्कुल देखूंगा भी नहीं उसको क्योंकि क्या है वो पसंद नहीं। तो ये आपकी वासना में आती नहीं। गुलाब जामुन आपकी पसंद है वो वासना से आपकी और करेला ना खाना वो क्या है आपकी नापसंद है। तो जो पसंद है और नापसंद आती है उसको नाम क्या दिया गया है प्लूरल छोटे वी वाली वासनास और वासना यानी बड़े वी वाली वासना और जो सिंगुलर है वो क्या होती है सामान्य मानसिक प्रवृत्ति यानी इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन। जैसे हमारा संविधान है ना किसने लिखा था हमारा संविधान कौन से साल में 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था बरोबर है। उसमें फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है यानी इंडिया में रहते हो तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करने पड़ेंगे
फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह से आपका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको बोलते हैं वासना, जो ऊपर बताई हुई गई वासनाओं यानी आदतों से उत्पन्न होता है। और ये बिग वी वाला वासना किससे क्रिएट होता है, छोटी 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 स्मॉल स्मॉल आदतें जो होती है हमारी, यानी स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी वासना जो होती है ना, उससे मिलकर ही ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एक आदमी का चरित्र या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, इन छोटी छोटी आदतों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं वासना बनती है। एक मानसिक संकल्प जो किसी व्यक्ति की अपनी वासना के खिलाफ हो, वो संकल्प अमल होने में कठिनाई पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कोई नियम संविधान के खिलाफ हो तो अमान्य होगा, समझ रहे हो। कोई रूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, चोरी करना पाप है, खून करना पाप है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वो करोगे तो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, तो वो अमान्य है। तो इसी तरह से आपकी वासना है ही नहीं, योग करने की आदतें है ही नहीं अंदर, और आप बोलोगे मैं योग का अभ्यास करूंगा, तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो आपकी आदतों में शामिल नहीं। लेकिन आदतों को बदला जा सकता है, क्या कर सकते हैं, वासना को चेंज कर सकते हैं। मेरी वासना आपको बताऊंगा ना तो आप हंसेंगे कि जब मैं पहले योग के पहले मेरी वासना हुआ करती थी क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना और मूवीज पे जाना, मूवीज देखना, कोई नई मूवी तो लगे थिएटर में पक्का देखूंगा, अपने मम्मी के साथ जाता था पिक्चर देखने में, कोई मैच जो चले जिसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा हो और मैं उस दिन फ्री हूं घर पे तो सारा दिन क्या करूंगा, मैच बैठ के देखूंगा। और संडे संडे को हमारी टीम फिक्स थी और जाके क्रिकेट का कैप्टन अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन का कैप्टन कौन, डॉक्टर रामनानी, और वो जाके खेलता है मैचेस और अपने बलबूते पे मैचेस को जिताता है। इस प्रकार से क्या थी, मेरी वासना थी। और आज बोलो क्रिकेट देखो, चलो दो मिनट देखो तो सही, इंग्लैंड का स्कोर क्या हुआ है, मुझे नहीं देखना है क्रिकेट, मुझे नहीं जीतना है, मुझे नहीं खेलना है क्रिकेट, मुझे मूवी तो थ्री इडियट्स के बाद 2009 के बाद पिक्चर कभी थिएटर में देखी नहीं, कहां गई वासना। ये वासना को क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी आपकी आदतों को आप बदल सकते हैं। अभी वासना क्या है दिल्ली वाले, अभी मेरी वासना क्या है, जैनियों का पढ़ो और जैनियों का पढ़ाओ और ऐसे जो साधक आते हैं उनके चेहरे पे खुशी लाओ, यही वासना बन गई जब से हमने योग की शिक्षा सीखी है। डॉक्टर चौहान सर ने जब से सिखाई योग की साधना करते गए मैं तो बहुत ही रेडी हूँ, हमारे गुरु जी आदरणीय मंडलिक गुरु जी का, चौहान सर का, जिनकी वजह से योग के क्षेत्र में ये वासना जागी। नहीं तो उसी साल जिस साल में मैंने योग में एंट्री की थी 2004 था सर वो 29 अगस्त 2004, और उसी साल की बात बताता हूं मैं, फरवरी की बात है, अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन का मैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट था, क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल डॉक्टर्स ऑफ अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन, लीडर। और उसी साल पे एक मैच ऑर्गेनाइज की थी उल्लास नगर मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन, और उसका कैप्टन था, और वन हैंडेडली वो मैच मैंने अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन को जिताया था। इतना जुनून था, इतनी आदतें थी मेरी पक्की, इसमें क्रिकेट में पिक्चर्स में, आज सारी वो आदतें क्या हो गई, बदल गई। क्या है, गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैसे हो सकता है वो तंत्र मंत्र डॉक्टर सहज जी बता दे। तो जब तक आपने प्रॉपर वासना उपयुक्त वासना क्रिएट नहीं की योग के प्रति, तब तक आप इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी वासना से मौज मस्ती करना, आपकी वासना से होटलों में जाना, आपकी वासना से अल्कोहल लेना, ये करना वो करना, लोनावाला जाना, पिकनिक्स पे जाना, एंजॉय करना, तो फिर आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। और इसको चेंज कैसे करना है वो यहाँ पे बताएंगे तंत्र। तो अगर आपके वासना की कोई चीज खिलाफ है तो आप वो काम कर नहीं सकते हो। तो ये बड़ी भी वासना इक्वल टू क्या होता है, छोटी छोटी वासना जो होती है, छोटी छोटी आदतें जो होती है, इस जन्म की छोटी छोटी आदतें प्लस पिछले जन्मों के महत्वपूर्ण तत्व। हिंदू धर्म है जो मानते हैं कि क्या होता है भाई, हमारे अनेक जन्म हुए हैं, और हमारे पास तो एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए जिनको सारे जन्मों की क्या थी, याददाश्त थी,
उनको जन्मों की याददाश्त थी तो कैसे आई उनको जन्मों की याददाश्त, उनको कौन सा सेंटर खुल गया होगा, कौन सा सेक्शन, टू बी खाली, अरे थ्री 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 आपका वो सेक्शन है जो आपको क्या करता है, पिछले जन्मों की और फ्यूचर लाइफ की पूरी जानकारी देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग योग की भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, सिद्धियां या तो विभूतियां, ये सिद्धियां ही तो है कि पिछले जन्मों की यादगिरी होना क्या है, सिद्धियां है, या फ्यूचर में क्या घटने वाला है, सिद्धियां है। भगवान गौतम बुद्ध को ये सिद्धियां हासिल हो गई जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, 6 साल की कड़ी तपस्या की, बच्चा पैदा हुआ, नई नई शादी की, राहुल को छोड़ के चले गए वन में कि मैं क्या करूंगा, मुझे कारण ढूंढना है कि दुख क्यों है, इंसान आदमी दुखी क्यों होता है, इंसान मरता क्यों है, वो बूढ़ा क्यों होता है, वो बीमार क्यों होता है, उसका कारण मुझे ढूंढना है। वो चले गए और जिस दिन बोधि वृक्ष के अंदर उनको क्या हो गया, वो ज्ञान हासिल हुआ उसको, उस दिन पे उन्होंने क्या टच किया मालूम है, अगर जेडोगा की भाषा में कहेंगे तो उस दिन पे उन्होंने क्या, जब उनको इनलाइटमेंट हुआ तो क्या हुआ, यानी वहां पे वो बरोबर कैसे बोला, सीसीएस को उन्होंने टच किया था, तो उनको ज्ञान का उदय हुआ और आगे जाके उनका सेक्शन 2B और 3 खुल गया, तो उनके पूरे जन्मों की उनको क्या आ गई, यादगिरी आ गई। वो बताते हैं कि इस जन्म में ऐसा था, मैं इस जन्म में ऐसा था, सब जानकारी उनको मिल गई, क्योंकि क्या होता है पिछले जन्मों के कुछ तत्व इस जन्म में जब हमारी छोटी छोटी वासना से जुड़ जाते हैं तो वो आपका बनाते हैं क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं वासना। मृत्यु के समय में ये सभी वासना एकत्रित होती हैं और अगले जन्म की प्राथमिक अवस्था के रूप में वो काम करते हैं, यानी जो आपकी नया जन्म होगा ना तो जो पिछले संस्कार हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर आप ये जन्म में अभी ज्ञान हासिल कर रहे हो तो चिंता नहीं करना, अरे मर गए तो ये ज्ञान धुल जाएगा, अरे नहीं धुलेगा, ये आपकी वासना अंदर एकत्रित होती है और जब आप मरोगे तो ये वासना जाके नए जन्म की नई आदतों के साथ जुड़ जाएगी, वही बनाएगा आपका क्या, बिग बी वाला वासना, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वो बन जाएगा। तो पिछले जन्म के संस्कार, अब पिछले जन्म में जरूर योग साधना की होगी तभी तो इस जन्म में योग का मिला ना भाव, और ये सब चीजें घट रही क्यों, क्योंकि पिछले जन्मों में जरूर योग की साधना हमने की हो गई, जो आधे में रह गई थी और उसी को पूरा करने के लिए इस जन्म में ये मार्ग भगवान ने हमको दिया है। तो पिछले जन्मों के संस्कार आगे जाके जुड़ते हैं वासना के रूप में, तो यही कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ये सब एकत्रित होती है और अगले जन्म की प्राथमिक अवस्था में हो जाती है। अब केवल वासना के गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंज से ही हम अंदर अपने निर्माण कर सकते हैं वो क्षमता गहरे अनुभव को ले पाने के लिए जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक होता है। तो आपको अंदर की वासना को क्या करना पड़ेगा भाई, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंजेस करनी पड़ेगी। अभी जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना उसको चेंज करोगे तो आपको क्या आएगा, उससे गहरे अनुभव आएंगे और वो आपको गहरा इंटरेस्ट निर्माण करने में मदद करेगी, जिसके बिना आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो ये वासना को हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी अपनी आदतों को बदलकर हम अपने आप को गहरी अनुभूतियों को ले पाने के लिए योग्य बना सकते हैं, जो कि गहरी रुचि के लिए आवश्यक है। डीप इंटरेस्ट कायम करना है ना तो आदतों को क्या करना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा, यानी जो आदतें हमारी है मौज मस्ती करने की उसको क्या करना पड़ेगा, अभी इस क्षेत्र में लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कैसा मार्ग है वो यहाँ पे बताएंगे कैसे करना है। ये जो वासना होती है ना छोटी छोटी वासना, यानी क्या है हमारी छोटी वासना को क्या बोलते हैं हम लोग, आदतें, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, ये हमारी शरीर की कोशिकाओं के समान होती है। किसकी जैसा, कोशिकाएं यानी क्या बोलते हैं आपको, मैंने कहा सेल्स, तो जैसे सेल्स होते हैं ना, पुरानी कोशिकाओं को हम नई कोशिकाओं से बदलने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ये आप देखते हैं ना स्किन के लेयर्स होते हैं जो बदलते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, अंदर की कोशिकाएं जूनी कोशिकाएं मरती है, नई कोशिकाएं रिपेयर होती है, कौन करता है सब अंदर बैठ के ही काम, कौन बोला, नारकर साहब, वेरी गुड, थैंक यू, तालियां बजाओ नारकर साहब के लिए। देखो रिपीट कोर्स करने का फायदा देखो कि नॉलेज और क्या होता है, इसी का जितना अध्ययन गहरा होगा उतनी अनुभूति क्या आएगी आपको, ज्यादा मिलेगी। तो ये पढ़ना है कि जो चीजें होती है ना ये कौन करता है, रिपेयर मैकेनिज्म अंदर एक जूनी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से बदलने का काम कौन करता है, सेक्शन 2A अंदर अपने आप
करते रहते हैं और निरंतर चलती। पुरानी वासना भी पुरानी कोशिकाओं की तरह होती है और ये नई कोशिकाओं से इनको बदला जाता है। जैसे पुरानी कोशिकाओं को बदलते हैं ना, इससे नई कोशिकाओं से, वैसे ही पुरानी वासना को आदतों से हम क्या कर सकते हैं, नई आदतों से बदल सकते हैं। और ये करना ही पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, इस क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा। अब मेरा आदतें कैसे बदली, वही वॉटरशेड लाइन क्या थी मेरी जिंदगी में, 2004 2005 के बाद मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। फिर इंटरेस्ट चला, क्योंकि क्या है, योग में क्या हो गया, इंटरेस्ट निर्माण। क्योंकि सभी जवान सर को मैंने क्या पूछा, तीसरे दिन में क्या पूछा मैंने उनको, कि जैसे ही मैंने संपर्क में गया तो मुझे भी क्या बनना है, अब वासना क्या बन गई, मेरी नई आदत क्या बन गई, कि मुझे योगा टीचर बनना है, किसके जैसा, जवान सर जैसा। तो ये बनना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे छूटती गई और ये आदतें बढ़ गई। फिर योगा टीचर बनना और फिर लोगों को योगा सिखाना, टीचर्स बनाना, और फिर उनका डिमांड हो गया तो आश्रम बनाना, और इस प्रकार से क्या हो गई, आदतें वासना क्या हो गई, बदलते चली गई। लेकिन जैसे कोशिकाएं बदलती है, वैसे आपकी वासना भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। ये नई कोशिकाएं किस चीज से निर्मित होती है, जो ये हमारी नई कोशिकाएं अंदर बदलती है, तो उसका खुराक क्या है भाई, क्या है उसकी खुराक, किससे बनती है, ये मुख्य रूप से पोषण यानी भोजन और जल जो हम लेते हैं उनसे बनती है। हमारी सेल्स किससे बनती है, उसको ताकत कहां से आएगी, जो हम खाना खा रहे हैं ना उससे नई कोशिकाएं बनती है, जो किसको रिप्लेस करती है, जूनी को रिप्लेस करती है। तो ये नई वासना किससे निर्मित होती है, तो कोशिकाएं तो आपके खाने से निर्मित होती है, समझ गए आप, लेकिन ये जो नई वासना किससे निर्मित होती है, ये विचारों की मानसिक गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है, जो प्रत्येक भोजन के कृत्य से जुड़ी होती है। यानी जैसे आप भोजन कर रहे हो उस समय आपके विचार क्या हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपकी वासना बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। खाना खाने से क्या बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन खाना खाने वक्त आपके मन के अंदर विचार क्या है, उससे आपकी क्या बनती है, आदतें बनती हैं, जिसको कहते हैं हमारे योग की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, वासना बनती हैं। यदि हम भोजन लेते समय नफरत से भरे होंगे तो हम भारी मात्रा में क्या करेंगे, नफरत की वासना को अंदर लेंगे। उधर लोग भोजन करते हैं और मोबाइल में बैठ के किसको गाली गलौज करते हैं या उल्टे सुलटे बातें करते हैं, करते हैं कि नहीं, देखा होगा आपने, यहाँ पे भोजन भी खा रहे हैं, वहां पे टीवी भी देख रहे हैं और टीवी से कुछ संस्कार पड़ रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, या यहाँ पे मोबाइल पे किसी झगड़ा कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो जिस प्रकार के विचार होंगे वही नफरत की वही क्रोध की वासना अंदर लोगे, यानी क्रोध और की वासना को क्या करोगे और बढ़ाओगे। इसलिए क्या कहते हैं, खाना खाने वक्त क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल में बात करोगे टीवी देखोगे तो वो सारे संस्कार क्या जा रहे हैं, आपके खाने के निवाले के साथ अंदर जा रहे हैं, जो आपकी वासना को क्रिएट कर रहे हैं। और नई वासना जो आएंगी वो भी क्या आएंगी, क्रोध की वासना आएंगी। और फिर हम कहते हैं हमने कितनी कोशिश की अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, लेकिन गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करने का एक ही तरीका है जो हम आपको कल यहाँ पे प्रैक्टिकल कराएंगे, कि खाना खाने के वक्त आपको वो कमेंट्री अंदर डालनी है जो आपको बताएगी कि आपको गुस्सा कैसे, यानी वो संस्कार करने, भोजन लेते वक्त अगर हम वो संस्कार डालते हैं तो अवश्य ही एक दिन गुस्से के ऊपर नियंत्रण आएगा। मैंने 2 महीना वो प्रयोग किया था कंटिन्यूअसली, कल आपको कमेंट्री सुनाएंगे वो आपको जब आप खाना सुबह नाश्ता करोगे ना तब आपको वो कमेंट्री बताएंगे, किस प्रकार की कमेंट्री को अंदर आपको फीडिंग करनी है, अंदर किसके टाइम पे, खाना खाने की, बिकॉज़ ये संस्कार जा रहे हैं, ये भावनाएं आपके खाने के प्रत्येक निवाले से जुड़ी हुई हैं, जो जाके आपके क्या करेंगे, अंदर की आदतों को क्या करेंगी, वो बदलेगी। और फिर जो गुस्सा था वो कहां खत्म हो गया, आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, जो कि आप थक गए थे इतने सब चीजें करके फिर भी। इसलिए ज़ेन योगा आपकी भोजन एवं जल लेने की जो प्रक्रिया है उस समय आप कैसा सोचते हो और कैसा महसूस करते हो इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती है। ज़ेन योगा कहती है
आप क्या खाते हो वो महत्व का नहीं है, आप किस अंदाज से खाते हो, खाने के दौरान आपके मन के विचार कौन से हैं, वो ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए भोजन को कभी निग्लेक्ट न करो, बिकॉज भोजन ही वो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, अपनी आदतों को, अपनी वासना को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी वासना बदलेंगी, हमारी गहरी रुचि किसमें आ जाएगी, इस इंटरेस्ट निर्माण होगा, उत्साह निर्माण होगा, जिससे क्या होगा हमको अनुभव प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा हमारी संवेदनशीलता में क्या हो जाएगी वृद्धि होगी, अनुभव और गहरे होते जाएंगे और इस क्षेत्र में आप और गहराई में चले जाओगे। मैं ये सारा जो उपक्रम दिया है डॉक्टर सहज ने, वो अपनी जिंदगी में अनुभव कर पाता हूं कि किस प्रकार से मेरी आदतें योग के बाद बदल गई और कैसे गहरे अनुभव, यानी तीसरे दिन पे मुझे इतना गहरा अनुभव आया था चौहान सर की टीचिंग से कि मैंने उनको क्या कर दिया कि मुझे भी आपके जैसा योगा टीचर बनना है। जैसे ही ये जेन योगा लाइफ में आ गई और दूसरे तीसरे दिन के अंदर क्या किया मैंने, वो जेन योगा का कोर्स जो लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे 6,500 लेता है आशीष शुक्ला कोर्स, ऑनलाइन कोर्स है 6,500 रुपया कौन खर्चा करे बैठ के, आदमी ऐसा सोचेगा, लेकिन उसको मैंने एक क्षण भी गवाया नहीं और तुरंत क्या किया उसको ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन किया, कमेंट्री सुनी तो जाके इंटरेस्ट और निर्माण हो गया। और ये जब जब वासना की बातें सब पता चली तो कितना जिंदगी में परिवर्तन आ गया कि मैं कैसे अपनी आदतों को बदल सकता हूँ, कैसे लोग जो मुझे पहले इतना गुस्सा आता था लोगों के ऊपर, अरे 3-3 महीना मेहनत करो, जवान सर को पता है एक एक शिक्षक बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, प्रवेश कराओ, परिचय कराओ, शिक्षक के सूक्ष्म पाठ, लंबे पाठ, ये करो वो करो, लेक्चर्स दो, तब जाके आदमी तब करके एक शिक्षक बनता है। और वो जब शिक्षक बनने के बाद जब अभ्यास नहीं करता है तो मुझे इतना गुस्सा आता था पहले, अरे 3-3 महीना तुम्हारे ऊपर मैंने मेहनत की और तुमको एक कह रहा हूँ स्वाध्याय करो, स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, लेकिन वो पता ही नहीं था कि क्यों नहीं कर सकते। ज़ेन योगा ने वो गहराई से बात बता दी, अरे उनका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई उसमें, उनकी वासना सी नहीं है तो वो बेचारे कैसे करेंगे, उनके ऊपर दोष देना बंद कर दिया, मैंने अपने ऊपर दोष देना शुरू किया कि भाई तेरा इंटरेस्ट है, तेरी वासना है, तू करता है, लेकिन उनकी वासना नहीं है ना, तो जब तक उनकी वासना बदलेगी नहीं और उनको पता ही नहीं है कि वासना कैसे बदले, तुझे पता है क्योंकि तुझे ज्ञान मिला है कि हमारी वासना बदल सकती है, लेकिन कैसे, जब हम खाने के समय प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आज के बाद ये मत सोचना कि जो नॉनवेज खाते हैं लोग वो पापी हैं और जो वेज खाते हैं वो क्या है पुण्य आत्मा है, अरे कौन सा खाना खाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने के वक्त आपके विचार क्या है वो आपकी क्या करेंगे वासना को बदल देंगे। समझ में आई बात, तो अपनी आदतें बदलनी है हमको, लेकिन बदलने का तंत्र क्या है मंजू जी, भोजन। तो आज के बाद एक ही भोजन वेस्ट मत करना ऐसे ही उल्टे सुलटे देख के टीवी या तो मोबाइल में बात करके, इसलिए मौन, इसलिए पॉजिटिव फीलिंग करनी है अंदर, जिस चीज को भी जो भी लगता है आपकी, मेरी ये क्या है कमजोरी है, मुझे इस कमजोरी से उभरना है, शिवनंदन मेरी कमजोरी कुछ है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भोजन के समय वो फीडिंग करनी पड़ेगी अंदर, जैसे उस कमजोरी से मैं क्या करूं निकल आऊं 100% निकल आऊंगा। जो भी ऐसी कमजोरी हो आपको लगती हो ना, मुझे गुस्सा ज्यादा है, मेरे में भय है, मेरे में सेक्स की ज्यादा अंदर तीव्रता है, मैं बहुत सेक्स करने की इच्छा रखता हूँ मन में, उसको कंट्रोल करना है ना, तो उसके सारे ये बोलते हैं सुधारात्मक तरीके, करेक्टिव मेथड, जो हमको खाने के दौरान काम करने हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे तो जरूर वो आपकी वासना को बदल देंगे। तो वासना समझ गए बात कितनी इंपॉर्टेंट है, छोटी वी वाली वासना और बड़ी वी वाला क्या है वासना। अब आगे जाते हैं, एक और शब्द है जिसको बोलते हैं साइकिक टेम्पेस्ट, इसको बोलते हैं मानसिक तूफान। हर एक की जिंदगी में हम लोग गुजरे कि नहीं, आपको गुजरे, आप भी याद करो अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब आदमी एक मानसिक तूफान से गुजरता है, यानी जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है ना, कोई ऐसी घटनाएं घटती है हमारी लाइफ में जिससे लगता है कि अब तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है कि सब कुछ हम लोग हार गए, ऐसा डिप्रेशन का फेस कभी कभी लाइफ में आता है, हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन डॉक्टर सहज जी कहते हैं इससे चिंता मत करना, ये मानसिक तूफान है ना बहुत जरूरी है, हर एक की लाइफ में आना चाहिए और इसका क्या है थेरेप्यूटिक वैल्यू है, उपचारात्मक क्या है इसका
मूल्य है। बिना आंधी हमारा मन निष्क्रिय रहता है, इसलिए गहरी रुचि द्वारा मंथित नहीं होता। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं, अपने चादर से पैर को बाहर निकालते ही नहीं, तो हम लोग मस्त रिलैक्स रहते हैं। हाँ, रूटीन लाइफ जी रहे हैं, ये काम किया वो काम किया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं भाई बस। तो अपने हम लोग क्या कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई तूफान, ऐसी कोई आंधी, ऐसा कोई चीज हमारी जिंदगी में घटता है जो हमको बिल्कुल हिला देता है, जिसको कहते हैं साइकिक टेम्पेस्ट या तो मानसिक तूफान, इससे हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीजें मेरी जिंदगी में क्यों घटी। और उस समय अगर हर एक की जिंदगी में ऐसी चीजें होती है जब मानसिक उथल पुथल से हम गुजरते हैं, उस समय पे अगर हम खुद को शांत रख पाए तो तूफान चला जाएगा और हमारा रूपांतरण हो जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, उससे वासना बदलेगी। मैंने तो कई बार देखा है। दौलत जी आपको कुछ बोलना है? नहीं बस ना, वो गए ना, वो लोग बाकी जा रहे हैं ना, निराल को जा रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो ओके, काम हो गया ना। हाँ। बस थैंक यू ओके। तो क्या होता है उस समय पे अगर हम ऐसा कोई क्षण आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा है जब ऐसा चीजें घटती है, बहुत ही उथल पुथल करने वाली चीजें, यानी जो आपको बिल्कुल डिप्रेशन में लेके जाए, ऐसा फेस लाइफ के हर एक की जिंदगी में आता है, उस समय पे अगर आपने मन को क्या रखा, शांत रखा, तो उस समय पे जब ऐसा दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है ना, तो आदमी अंदर से सेल्फ एनालाइज करना शुरू करता है। और वो क्योंकि उस समय पे सेल्फ एनालाइज कर रहा है, इसलिए उसको अंदर के दोष दिखाई देने लगते हैं, और जिससे उसकी क्या हो जाता है, अगर वो बदलेगा और उस क्षण पे शांत रहेगा तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, वासना में बदलाव आ सकता है। तो डॉक्टर सहज जी कहते हैं, इसलिए अगर जब भी ऐसा साइकिक टेम्पेस्ट यानी मानसिक तूफान आपकी जिंदगी में आए तो उसे विचलित मत होना, ये समझना ब्लेसिंग्स है कि आपको मिलना है ये मौका कि आप अपनी आदतों से अभी क्या कर, क्योंकि मानसिक आदतें जब ऐसा कोई मानसिक तूफान आता है तो आदमी को रियलाइज होता है, अरे मुझ में ये बुरी आदत है, मैंने ऐसा गलत काम किया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये मानसिक तूफान को मुझे झेलना पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जो बुरी आदत थी उसको सुधरने का मौका हमें मिल सकता है अगर हमने खुद को उस समय पे स्थिर होगा, और उस समय अगर हम खुद को शांत रख पाए तो तूफान चला जाएगा, हमारा रूपांतरण वासना बदलेगी, जिससे क्या होगा हमारी गहरी रुचि उस क्षेत्र में जागृत होती है। तो मानसिक तूफान अगर ऐसा लाइफ में आए ना तो विचलित मत होना, उसको समझना ये ब्लेसिंग्स है, इससे हमारी आदतें बदल होने की संभावना है। लेकिन कुछ लोग तो सीखते ही नहीं, कुछ लोग वही मिस्टेक किया जिसके कारण भुगतना पड़ा, फिर से वही मिस्टेक क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान मालूम नहीं। अगर मिस्टेक से हम सीख लेना तो आगे जाके वो मिस्टेक नहीं करेंगे और हमारी आदतों को हम क्या करेंगे, बदल पाएंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट निर्माण होगा और क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे तीन शब्द और बताते हैं, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड इंस्टेंटनेस, तीन और शब्द नए यहाँ पे डॉक्टर सहज जी बता रहे हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रमिक विकास में क्रियाएं क्रमिकता के सिद्धांत पर निरंतर होती रहती है। इवोल्यूशन यानी पता है ना आपको, जैसे हमारा इवोल्यूशन कहां से हो गया भाई, अमीबा से बंदर, बंदर से इंसान, तो ये क्रमिक विकास है जिसमें क्रियाएं क्या हो रही है, निरंतर हो रही है, कंटिन्यूस हमारा क्या होता है, प्रोग्रेस होते रहता है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। बट वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, क्या होता है, स्लो कंटिन्यूस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। दूसरा शब्द क्या है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में क्या होता है, परिवर्तन जो निरंतरता से रहित है उसे क्रांति कहा जाता है। जैसे उदाहरण में कौन सा है, आजकल कौन सी क्रांति आई है, एक तो आईटी सेक्टर की और क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या क्रांति, यानी इसमें क्या होता है, चीजें फास्ट होती है, क्या होती है, उसमें क्या हो रही थी, इवोल्यूशन में स्लो, लेकिन क्या थी, कंटिन्यूस थी, यहां पे कंटिन्यूस नहीं है लेकिन क्या है, बहुत ही फास्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इवोल्यूशन, क्रांतिकारी डेवलपमेंट को बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं, और जो स्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। लेकिन
आध्यात्मिक जीवन में तत्क्षणता काम करती है। ये कोई इवोल्यूशन काम नहीं करती यहां पे, ना ही कोई रिवोल्यूशन काम करती है। आध्यात्मिक जीवन में आपकी जब प्रगति होती है ना, तो वो क्या होती है, ऐसा इंस्टेंटेनियस होती है। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। क्रांति को भी थोड़ा तो समय लगता है ना, फास्ट चीजें होने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा, कुछ साल तो लगेंगे ना। अब इवोल्यूशन को जन्मों लगेंगे, हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है और हम अमीबा से लेके बंदर से लेके क्या हो जाए, इंसान बन गए। लेकिन रिवोल्यूशन में क्या होता है, कुछ वर्ष लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी जब प्रगति होती है ना, तो वो कैसे होती है, वो इंस्टेंट होती है। यानी कल तक आदमी जो साधारण दिखने वाला आदमी था, वो आदमी क्या हो गया, कल तक रूपेश साधारण दिखता था, अरे अपनी गजनी गाता था, और आज देखो तो सडनली उसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ऐसा रातों रात? भगवान गौतम बुद्ध का। कल तक साधारण इंसान थे, बच्चों के साथ खेलते थे, यानी बच्चों को ज्ञान बांटते थे। सुना है वो किस्सा, सुजाता का किस्सा सुना है क्या, कि वो जब भूखे थे तब सुजाता ने खाना लाके दिया, खीर खीर खिलाई थी। भूखे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कहा किसी लोगों ने उनको सलाह दी थी कि अपने शरीर को तप करो, खाना पीना छोड़ दोगे तो क्या करोगे, उस आध्यात्मिक क्षेत्र के सफल हो जाओगे। यानी क्या करोगे, आत्म साक्षात्कार पाना है ना, तो अपने को तपाओ, खाना क्या करो बंद कर दो। तो बेचारों ने सलाह मानी और खाना बंद कर लिया। तो उनका एक एक फोटो है भगवान बुद्ध का, जिसमें आप देख सकते हो इतने एकदम हड्डियों जैसे पतले हो गए। क्यों? क्योंकि तब उन्होंने खाना छोड़ दिया था। तो इतने वो इतनी शारीरिक दुर्बलता आ गई थी उनको कि एक दिन नदी किनारे वो गिर जाते हैं, और वहां पे सुजाता आती है, उस गांव की लड़की, वो खीर बना के आती है। वो जाती है पेड़ों को खीर चढ़ाने के लिए, जाते हैं ना कुछ वृक्षों को देने के लिए प्रसाद के रूप में। तो वो जब वो खीर उनके मुंह में डालती है तो उससे वो जागृत होते हैं और फिर उन बच्चों को वो ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। लेकिन फिर उन बच्चों को उन्होंने मदद किया और एक बोधि वृक्ष के दिन एक दिन में जाके क्या बोलते हैं, मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठूंगा और तब तक उठूंगा नहीं जब तक मुझे अपने मार्ग में जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं जाता, मेरे प्रश्नों के उत्तर जब तक मुझे मिलेंगे नहीं मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो वहां पे बैठते हैं, तो जब उठते हैं तो उनका रेडिकल क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी उनके चारों ओर क्या हो जाती है, वो ऑरा आ जाती है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटनेस। यानी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होती है तो ये सिर्फ क्रांति और इवोल्यूशन नहीं होता है, ये क्या होता है, इंस्टेंटली होता है। वो इंस्टेंटनेस कहां पे आती है, ये आती है उस अवस्था में जिसका नाम क्या है भाई, सीसीएस। वो क्षण है जो वो मिट्टी प्रदान करती है जिसमें आध्यात्मिक पौधे की वृद्धि हो सकती है, और वो क्या होती है, इंस्टेंटली होती है। कल रात तक भगवान बुद्ध कौन थे, बुद्ध नहीं थे, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम। ये तो जब उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उनकी इनलाइटमेंट हो गई, तब जाके उनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्धा। बुद्धा यानी वो जो हासिल कर चुका है, इनलाइटेड पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, बुद्ध बोलते हैं। तो वो इंस्टेंटली होता है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध का हो गया था, इस प्रकार से रात को बैठे थे और सुबह को उनकी ऑरा ही बदल जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होती है वो सिर्फ इवोल्यूशन नहीं होती है, सिर्फ रिवोल्यूशन नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटली होती है। इसको बोलते हैं तत्क्षणता। अब आगे बताते हैं और एक चीज देखेंगे हम लोग, डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। तो ये शब्द समझ गया आप, ये शब्दों के बारे में ध्यान में आई, वासनास क्या होती है, वासना क्या होती है ना, और क्या बोला आपको मैंने, इवोल्यूशन रिवोल्यूशन एंड इंस्टेंटनेस, और क्या शब्द बताए, प्रीति, और क्या बताया, गहरी रुचि, और क्या बताया, एंथुसियाज्म उत्साह, है ना, ये सब चीजों को समेट के रखो, और क्या बताया कि हाइटेंड सेंसिटिविटी, ये सब चीजों को समेट के रखो, बिकॉज ये ज्ञान, ये सब आध्यात्मिक सफलता के क्या है, नियम है। अब एक और शब्द बताते हैं, डिस्कवरी ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक मार्ग की खोज। आध्यात्मिक मार्ग पर डॉक्टर सहजी तब तक नहीं चला जा सकता है जब तक इसे आपने खोज नहीं लिया। एक रेडीमेड मार्ग कोई बना के दे कि भगवान बुद्ध इस मार्ग पे चल के क्या हो गए थे, इनलाइटन हो गए, वो हमको रेडीमेड मार्ग दे तो हम उस पे चल नहीं सकते जब तक आपने उसको स्वयं खोजा
नहीं है। बिना आध्यात्मिक पथ को खोजे इस पर चलने का प्रयास में वो आंतरिक आनंद, वो प्रीति का तत्व क्या होता है, मौजूद नहीं होता। रूपेश रेडीमेड फॉर्मूला बना के देंगे तो जो सच्ची खुशी होती है, प्रीति होती है, जो आपको किसमें मिलती है, आपको कविताओं में मिलती है, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। और आनंद नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपना मार्ग खुद खोजना है। जो मार्ग आप खुद खोजोगे और जो आपके आदतों के अनुकूलित है, आदतों यानी क्या, वासना से क्या है, अनुकूलित है, उस पे आप लंबे समय तक चल पाओगे। बने बनाए मार्ग पे चलने की कोशिश में वो प्रीति, वो आनंद नहीं होता है, वो एहसास जो कुछ खोजने में मिलता है या खोज के मार्ग पे प्रगति करने को मिलता है वो नहीं होता है। अगर आपने खुद मार्ग खोजा है तो आपको जब खोजते हो तो उसमें कितना उत्साह निर्माण होता है, अरे ये मैंने मार्ग खोजा है, ये मेरी खोज है। और उस पर जब आप अपनी प्रगति देखते हो तो उससे सच्ची खुशी और बढ़ जाती है। उससे हमको क्या करता है, वो मार्ग पे टिकाए रखने में क्या होता है, मदद होती है। अगर हमने मार्ग खुद खोजा है तो हम उसी मार्ग पर लंबे चल सकते हैं जो हमने खोजा है और जो हमारे इसके अनुकूलित है भाई, वासना से। आपकी जो वासना से, आपकी जो पसंदें, उन पसंदों के हिसाब से अगर आपने मार्ग खोजा उस पर चलोगे ना तो ज्यादा लंबे समय तक चलोगे। क्योंकि इसमें क्या होती है, हर चीज क्या हो जाती है, उसमें स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, कोई आर्टिफिशियली करना नहीं पड़ता है कि किसने मुझे थोप दिया और मैं जबरदस्ती उस रास्ते पे चल रहा हूं। मेरी तो वासना है, मैं तो आज सुबह शायरी लिखना चाहता था लेकिन मुझे सुबह को उठा के योग का अभ्यास करा दिया तो क्या करूंगा मैं तो नहीं करूंगा उसने, क्योंकि मेरी वासना तो उसमें क्या है, नहीं है। तो ऐसा क्योंकि उसमें स्वाभाविक नहीं है ना, स्वाभाविक वासना क्या थी, सुबह को उठूं और नेचर को देख के मस्त दो चार पंक्तियां लिख दूं शायरी की, तो वो क्या थी, नेचुरल थी, उसमें आपको क्या आ रहा है, अनुभव आ रहा है। लेकिन योग में वो अनुभव नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपके क्या है, वासना के अनुकूलित नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नीत्से करके एक बहुत ही मशहूर क्या थे, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल क्षेत्र में बहुत बड़े नाम के नाम जाने जाते हैं, नीत्से करके। वो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं, एक ऊंट से एक बच्चा बनने जैसा है। क्या बोलते हो, ऊंट, ऊंट क्या होता है, कौन सा वर्ण होता है, बोझा ढोने वाला। यानी आपकी वासना के अनुकूल अगर आपका मार्ग नहीं है और आप जबरदस्ती उसको करते हो तो क्या कर रहे हो, जैसा कोई ऊंट बोझा ढो रहा है। लेकिन वैसे ही बच्चा देखो कितना स्वाभाविक होता है, अभी देखो बच्चा खेल रहा है मस्त, उनकी बेटी है, कितनी स्वाभाविक है, नेचुरल कर रही है, उसको कोई परवाह नहीं किसकी भी, एक मस्त इंसान के रूप में बढ़िया काम करता है। तो बच्चा बनने जैसा है, एक बच्चा बनोगे तो हर एक चीज क्या लगेगी आपको, स्वाभाविक लगेगी। जबकि ऊंट करोगे तो ऊंट बनोगे तो क्या हो जाएगा, वो भोजन ढोने वाला जानवर हो जाएगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है ना तो ये ऊंट से क्या होना है, बच्चा बनने जैसी प्रक्रिया है। ऐसा नीत्से कहते हैं, बहुत प्रमुख विचारक है। रोज नए मार्ग को, नए खोजे गए मार्ग से वो रोमांच, वो प्रीति मिलती है जो एक अध्यात्म रोमांच से भरे जीवन को, एक नैतिक कठोरता से भरे जीवन से अलग करती है। मिलिट्री रूल है, हमारे मिलिट्री पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, कौन है, नीलांबर ठाकुर, वो बोले कि सुबह को 5 बजे उठना है, आज वो 5:30 बजे उठाया कि नहीं, मिलिट्री रूल, कठोरता, कुछ भी हो जाए ये मुझे करना ही है। ये किसका कॉन्सेप्ट था, कन्फ्यूजर, ये दोनों चाइना के दोनों बड़े विचारक है, कौन, लाओत्से और कन्फ्यूजर। लाओत्से का मार्ग क्या था, आध्यात्मिक रोमांच से भरा मार्ग, और कन्फ्यूजर का मार्ग क्या था, कठोरता से भरा जीवन। कठोरता से भरा जीवन होगा ना तो मजा नहीं आएगा, फिर उठोगे तो सही 5:30 को लेकिन अंदर ही मन ही मन में क्या करोगे, क्या सुबह सुबह नींद खराब, इतनी अच्छी नींद कर रहे थे हम लोग, हमारी नींद खराब कर दी, क्योंकि क्या है, वो उन्होंने तो कठोर नियम लिया लेकिन आपको वो कठोर नियम क्या है, पसंद नहीं आते, तो इसको अलग करता है। इसलिए कह रहे हैं नैतिक कठोरता यानी निर्धारित शर्तों के साथ चलना, और आध्यात्मिक रोमांच किसका मार्ग है, आध्यात्मिक रोमांच किसका मार्ग है, लाओत्से का, और कठोरता किसका मार्ग है, कन्फ्यूशियस का। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक मानसिक बदलती स्थिति के अनुसार
क्रिया करना। अरे आज सुबह को उठे हैं और लगता है आज मैं वॉक करके आऊं, मैं आज योगा नहीं करूं, तो मत करो। अपनी मन की स्थिति को देखो, आज मेरा मन अंदर से क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपने अभ्यास को क्या करो, बदलो। न कि कठोर नियम कि पसंद आए ना आए आज मैं जबरदस्ती बैठ के, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया है ना, लोग करते हैं सर, गुरु ने बताया ना 108 बार माला फेरना, फिर वो पसंद आए ना आए तो भी क्या करेंगे हम लोग 108 बार माला, लेकिन ध्यान भी नहीं जाता है, मजा भी नहीं आ रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो नियम बताया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर सहज जी कहते हैं अगर आपको लंबे समय तक आगे जाना है ना तो अंदर से लाओसे का मार्ग अपनाओ, यानी नैतिक निर्धारित शर्तों के साथ नहीं चलना है, मानसिक बदलती स्थिति के हिसाब से अपने को अभ्यास को क्या करना पड़ेगा चेंज। कभी लगता है मुझे आसन का अभ्यास अच्छा लगता नहीं है, मैं सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। कभी लगता है मुझे प्राणायाम करना है, प्राणायाम करो। जो आपको लगता है आपकी मन की स्थिति क्या है उस समय पे उसके हिसाब से चलना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक रोमांच से भरा जीवन। और इस प्रकार हमारे मन के प्रत्येक बदलती परिस्थिति के हिसाब से हमें मार्ग को पुनः खोजना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे पहला वर्ग जब लिया था इनका, पहली बैच ली थी, तो क्या सिखाया था अभ्यास में, कुछ अलग ही सिखाया था। और आज तो आठवें वर्ग में हमने कुछ अलग ही आपको अभ्यास कराया, जो सातवें वर्ग में भी नारकर साहब को भी नहीं पता। नारकर साहब सुबह को आके बोलते हैं अरे भाई जो आज आपने अभ्यास करा है, हमारा पिछला अभ्यास अलग था, ये थोड़ा अभ्यास अलग करा रहे हैं, मुझे तो वो ज्यादा पसंद आता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी मन की स्थिति क्या है उसके, मैंने उनको यही कहा कि आप ये अभ्यास भी रखो, जूना भी अभ्यास रखो, जब अच्छा लगे तो ये करना, जब अच्छा लगे तो वो करना। मन की स्थिति को पढ़ना कि मेरे मन को आज क्या अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करना। तो वही कह रहे हैं हमारे मन के प्रत्येक बदलती परिस्थिति के हिसाब से हमें मार्ग को पुनः खोजना चाहिए। तो मेरी परिस्थितियां बदल रही है तो मैं मार्ग को पुनः खोज रहा हूं। अब प्रवेश में जो चौहान सर ने मुझे सिखाया था सूर्य नमस्कार और पूरक क्रियाएं, आज तो मैं करता ही नहीं हूं उसका अभ्यास, क्योंकि मेरे मन की स्थिति के हिसाब से मैं क्या किया, अभ्यास को बदलते चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डायनामिक सक्रिय प्रक्रिया है जो आदमी की बोरियत को हटा देता है। वही करोगे तो बोर हो जाओगे, तो इसलिए क्या है मन की स्थिति को पहचानो और उसके हिसाब से क्या करो, क्रिया करो, तो बोर नहीं होंगे। मार्ग की खोज एक यात्रा है वो सीसीएस तक पहुंचने की, और उस सीसीएस तक पहुंचने के बाद ही कोई दीक्षित होता है। नहीं तो लोग बोलते हैं आजकल मैं आया था वो गुरु के पास, उस गुरु ने क्या किया मुझे दीक्षित किए, मैं दीक्षा लेके आया हूं। किसकी, गुरु की दीक्षा लेके आया हूं। क्या लेके आया भाई, गुरु ने एक मंत्र दिया है, उसने कहा है ये मंत्र दीक्षा का मंत्र है, इसको रोज अभ्यास करो पहुंच जाओगे, कहा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लोगे। तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप सीसीएस तक नहीं पहुंचे हो तब तक आदमी दीक्षित नहीं होता है। सीसीएस तक पहुंचोगे तभी रियली आदमी क्या हो जाता है, दीक्षित होता है। और दीक्षित होने के बाद आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की यात्रा केवल ईश्वर की तरफ नहीं होती है बल्कि ईश्वर के साथ होती है। जब आप सीसीएस को टच करते हो ना तो आप अकेले नहीं होते हो, फिर आप ईश्वर की तरफ नहीं जाते हो, ईश्वर यानी आपका मार्गदर्शक आपके साथ क्या होता है, प्रति क्षण आपके साथ जुड़ा रहता है। यही कह रहे हैं कि ईश्वर की तरफ नहीं, ईश्वर के साथ आपकी यात्रा होती है, क्योंकि दीक्षित होने के बाद आप मार्ग पर अकेले नहीं चलते हो बल्कि स्वयं मास्टर आपके साथ होता है। और ये अंदरूनी मास्टर जब आप सीसीएस टच करोगे ना, अंदर का मार्गदर्शक आपको मिलेगा जो आपको प्रति क्षण क्या करेगा, गाइड करेगा, क्योंकि अब आपको क्या हो गई, अंदर देखने की आदत पड़ चुकी है। और अंदर आपका मार्गदर्शक बैठा है, कौन है अंदर मार्गदर्शक हमारा, आत्मा है ना, कहां पे वो, सेक्शन 4 में वो, उसका मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है जैसे हम लोग सीसीएस को टच करते हैं। तो फिर आप अकेले रहते नहीं। प्लॉटिन आत्मा की या दिव्यता की यात्रा का वर्णन करके बताते हैं कि ये अकेले से अकेले की तरफ उड़ान है। प्लॉटिन क्या बोलते हैं भाई, अकेले से, हम आए भी अकेले हैं, जाना भी क्या है, अकेला है। तो आपकी जो ये उड़ान है कहां से, आत्मा की परमात्मा की तरफ जो उड़ान है वो भी क्या है, अकेले की उड़ान है। इसलिए जब ग्रुप में बैठोगे ना तो उतना अनुभव नहीं आएगा, ग्रुप में अभ्यास करने से
अनुभव नहीं आता है। अनुभव अगर आपको चाहिए ना तो अकेले में अभ्यास करोगे तो अनुभव आएंगे, लेकिन अकेले में आपको क्या होता है, हाँ दो चीजें होती है, एक तो डर लगता है, दूसरा क्या होता है, बोर होता है। कौन अकेले में बैठ के करा, ग्रुप में किया कितना मजा आया सुबह के बाद, है ना, ग्रुप में क्लैपिंग किया, ये किया वो किया, आजू बाजू में कौन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तो वो मजा सीखने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ग्रुप में करना ही चाहिए, लेकिन अभ्यास आगे बढ़ना है तो अकेले में करना पड़ेगा। जब हम अकेले होते हैं तब हम उस मार्ग से एक हो जाते हैं जिस पर हम चलते हैं, आपकी ज्यादा जुड़ जाते हो उस मार्ग से जब आप क्या करते हो, अकेले अभ्यास करते हो। दिव्यता की रोशनी तक पहुंचने के लिए जो कि अकेली है, हमें अपने अकेलेपन की स्थिति से शुरू करना चाहिए। वो दिव्यता की रोशनी जो बैठी है, परमात्मा की रोशनी, वो भी क्या है, अकेली है, और हम भी क्या है, अकेले जाएंगे ना तो उस तक जरूर पहुंच पाएंगे। हम अकेलेपन की स्थिति से क्या करते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, बोर होते हैं। जब तक अकेले की आदत नहीं होगी तब तक जीवन के अनुभव क्या होंगे, उथले होते हैं। अरे अकेले में प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे, जो सोचोगे ना, इंट्यूशन तो ऐसे आते हैं, खाली एक क्वेश्चन रखो मन में और आसन में उतरो, तुरंत उसका क्या मिल जाता है, आंसर। क्योंकि क्या कर रहे हो, अकेले में अनुभव ज्यादा आते हैं, तो अकेले स्वाध्याय करना सीखो। लेकिन अगर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना हो तो अकेले की आदत होनी चाहिए। एक बार ये आदत पड़ जाए ना तो आध्यात्मिक पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। मैं तो देखता हूँ जब से प्रवेश में डॉक्टर अपना चौहान सर जी ने मुझे 2 अक्टूबर को मुझे क्या दिया था, सर्टिफिकेट दिया था योग प्रवेश का, तब के बाद आज तक मैंने अभ्यास कभी, चलते हैं ना ऐसा फॉलो अप वर्ग, क्या बोलते हैं उसको, सराव वर्ग चलते हैं हमारे संस्था में, चलते हैं जवान सर सराव वर्ग, हाँ बाबा यहाँ पे आ जाओ और सब आगे ग्रुप में क्या करो प्रैक्टिस। आज तक एक भी सराव वर्ग में मैं कभी गया नहीं, क्योंकि अकेले में आदत इतनी गहरी हो गई और उसके इतने अनुभव आने लगे। योग प्रवेश किया तो प्रवेश का अभ्यास किया, परिचय किया तो परिचय का अभ्यास किया, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते गया अकेले में आदत पड़ी। मुझे तो याद है मैं 2002 में सबसे पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, क्या किया था, आर्ट ऑफ लिविंग, 6 दिन का वो कोर्स ज्वाइन किया था, और वो कोर्स ज्वाइन किया 2002 में, और 2004 में चौहान सर के पास गया था। 2 साल तक अकेले बैठ के सुदर्शन क्रिया मिनी जो बोलते हैं घर में करो आधा घंटा, वो रोज मुझे याद है मैं करता था, एक भी दिन मिस उसको नहीं किया था। लेकिन वो अकेले में क्या पड़ गई, आदत पड़ गई, तो जब ये सीखा तो वो छूट गया और ये जो अपना लिया, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे अभ्यास करते गए, तो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे अकेले में करोगे तो क्या आएगा, अनुभव आएंगे, अनुभव आएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, उत्साह होगा, उत्साह होगा तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अनुभव और गहरे आएंगे। इस प्रकार से आप मार्ग को कभी छोड़ नहीं सकते हो, ये क्रम है, एक कंटिन्यूस ये एक साइकिल है जो आप चलते जाओगे आगे जब आप अकेले में अभ्यास करना शुरू करोगे। अब यहाँ पे डॉक्टर सहर जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हमारे पास लंच टाइम 1 बजे है ना, 1 बजे है ना, तो 1 बजे लंच टाइम 15 मिनट में आपका लूंगा, एक लेक्चर पूरा करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमको बैकलॉग नहीं चाहिए, दोपहर का लेक्चर सुनना है तो बैकलॉग रहेगा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पूरा करने वाले हैं, अभी क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन सिर्फ 15 मिनट का और है। किस जैनियों का पुस्तक का उद्देश्य क्या है, डॉक्टर सहजी अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पे, क्या है उद्देश्य जैनियों का पुस्तक का, कि जीवन के उद्देश्य को समझना, इसी जीवन काल में एक सामान्य जीवन जीते हुए जीवन के उद्देश्य के प्रति कार्य और प्रगति करने का एक अवसर प्रदान करना। क्या है उद्देश्य भाई कुत्ता का, कि पहले बात तो यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि हमारे ये जो जीवन हमें मिला है उसका उद्देश्य क्या है, और एक सामान्य जीवन जीते समय रूटीन लाइफ जीना है हमें, क्या कहा आपको, सबसे बड़ी टेस्ट हमारी कहां पे होती है, रूटीन लाइफ में, क्योंकि रूटीन लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें ऐसे खींच के लेके जाती है जो हमारा उत्साह को और रुचि को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो रूटीन लाइफ जीनी है, सन्यासी बन के जाके हिमालय में बैठना नहीं है, वो मार्ग नहीं है इसका, वो बता रहे हैं जीवन का उद्देश्य समझो, एक रूटीन लाइफ जियो और उस जीवन के उद्देश्य के प्रति कार्य और प्रगति करने का
एक अवसर देती है. क्या देती है किताब? क्या देती है आपको? इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू अटेन योर उद्देश्य. आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, उसको अटेन करने के लिए अवसर प्रदान करती है और आपको प्रगति होने के लिए मार्ग प्रदान करती है. लेकिन कैसे? एक सामान्य जीवन जीते हुए, न कि सन्यासी बन गए. नहीं, तो जैनियों का बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपना घर बार छोड़ दो तो आप बिल्कुल चिंतित मत होना. नहीं तो लोग बोलते हैं जैनियों का बन करके आएगा फिर हमारा घर बार छोड़ के सन्यासी बन्यासी तो नहीं हो जाएगा, घर बार छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, है ना? एक योगी की जागी हिमालय में तो नहीं जाके आंख बंद के साधना करेगा. नहीं, आपका अगर आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है तो आपको एक रूटीन लाइफ जीनी है. और रूटीन लाइफ में क्या करना है? लेकिन प्रगति करनी है. और अपने जीवन के उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? सीसीएस. सीसीएस को, इसी रूटीन लाइफ को जीते हुए हमें क्या करना है? हासिल करना है. लेकिन उसका अवसर कौन देते हैं हमको? ये किताब देती है. बिकॉज किताब में वो तंत्र, वो मंत्र दिया है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? सीसीएस तक पहुंच सकते हैं. कुछ प्रश्न डॉक्टर सहज जी के मन में आए थे इस यात्रा पर, जिनका उत्तर उन्होंने खोजना चाहा. बचपन से ही डॉक्टर सहज जी का बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था. तो मन में जैसे भगवान बुद्ध को अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए 6 साल जाके तपस्या करनी पड़ी थी. कहां पे? जंगल में. तो वहां पे गए थे वो अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने. इसी तरह से मन में कुछ प्रश्न डॉक्टर सहज जी के भी बचपन से तकलीफ देते थे उनको. वो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे. कौन से थे प्रश्न उनके मन में? 6 प्रश्न थे. ध्यान से सुनना कौन से प्रश्न थे. पहला है, इस जन्म और जीवन का उद्देश्य क्या है? कि भाई मैं इस जन्म जो मैंने लिया है, इस मनुष्य योनि के जन्म में मैं पैदा हुआ हूं, तो इस जन्म का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये पहला प्रश्न उनको तंग करता था. दूसरा प्रश्न था कि क्या कोई सड़क पर सामान्य मौजूद व्यक्ति भी इसका उत्तर जान पाएगा या यह उसकी समझ से परे है और कुछ केवल चुनिंदा लोगों के लिए. के जीवन का पर्पस क्या है? ये खाली जो लोग दीक्षित होते हैं और बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, क्या खाली उनको ही पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? कि एक नॉर्मल सड़क पर रहने वाला आदमी भी समझ सकता है कि उसका उद्देश्य, लाइफ का उद्देश्य क्या है? ये दूसरा प्रश्न उनके मन में चलता था. तीसरा प्रश्न क्या था? क्या मुक्त इच्छा मनुष्य को दी गई है या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? क्या सब कुछ आपके भाग्य में पहले ही लिख दिया गया है? क्या आपके भाग्य में, डेस्टिनी में ही लिख दिया गया है? बस आपको ये होना है, वो ही घटेगा. कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं. प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है. प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर सहज जी कि नहीं, सब कुछ भाग्य के ऊपर थोपो मत. हमें भगवान ने एक ऐसी मुक्त इच्छा, फ्री विल, जिसको क्या बोलते हैं, फ्री विल दी है, जिससे हम अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं. लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए तो ही, नहीं तो नहीं. चौथा प्रश्न था कि सृष्टि के पीछे कोई तो शक्ति जरूर मौजूद है, क्या हम उसको जान सकते हैं और उसके नियमों को समझ सकते हैं? ये इतना सारी चीजें घट रही है, बारिश हो रही है, सूर्य निकल रहा है, सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्य अस्त होता है, समय पे सब चलते हैं ना, प्रकृति में सब नियमबद्ध चल रही है. तो ये जो नियमबद्धता है प्रकृति में, क्या इसके पीछे कोई शक्ति है या ये अपने आप हो रहा है? ये भी एक प्रश्न उनके मन में चलता रहता था. क्या कोई सुनहरा मध्यम मार्ग है जो न तो अति भोग का हो न तो अति पूर्ण त्याग का हो? Is there any कोई मिडिल गोल्डन पाथ जो न को अति त्याग का हो, यानी जिसके में हमको घर बार त्याग करके जाके हिमालय में बैठना पड़े, ऐसा भी ना हो, और न ही जो अति भोग का हो, यानी सारा दिन खाली मौज मस्ती करे, वो भी एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम एंड से ही होना चाहिए, बीच का मार्ग होना चाहिए. यानी बीच का मार्ग यानी क्या? कि हम अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, न तो सन्यासी बन रहे हैं न तो भोगी बन रहे हैं, न तो योगी न तो भोगी, एक सामान्य मनुष्य करके हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं. फिर भी कोई ऐसा मिडिल सुनहरा पाथ है, गोल्डन पाथ है, जो हमको क्या लेके जाएगा? हमारे उद्देश्य की तरफ लेके जाएगा. कोई ऐसा पाथ है? तो डॉक्टर सहज जी का उत्तर है कि है भाई, है. और वही पाथ हमको इस किताब में डॉक्टर सहज जी बताने वाले हैं. कौन सा वो मिडिल सुनहरा मार्ग है जो भगवान बुद्ध ने खोज निकाला था?
जो और भगवान पतंजलि ने जो मार्ग बताया था उसी का निचोड़ हमको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे उस मार्ग पे चल के हम अपने आप को सीसीएस तक लेके जा सकते हैं। और लास्ट प्रश्न था, क्या मनुष्य को उत्तर खोजने के लिए पुराने ज्ञान को त्याग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अथवा सब कुछ त्याग देना चाहिए और संसारिक जो भी है और एक सन्यासी का जीवन जीना चाहिए? क्या चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, पहला कि दूसरा? पुराने ज्ञान को त्यागो और नए ज्ञान को हासिल करो और आगे बढ़ो कि सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाओ? पहला माला मार्ग, यानी सन्यासी नहीं बनना है हमको, हमको पुराने जो गलत ज्ञान हमारे दिमाग में ठूसा गया है उसको निकाल के नया ज्ञान जो यहाँ पे मिल रहा है उसको ग्रहण करना है और उससे हमें क्या करनी है, आगे प्रगति करनी है। ये 6 प्रश्न डॉक्टर सहज जी को तंग करते थे। डॉक्टर सहज जी कहते हैं कि बचपन से ही इसी तरह के सवालों ने उन्हें पीड़ित किया था और इनके मन में आत्मज्ञान की एक अतृप्त, जो कभी तृप्त नहीं हो सकती, ऐसी भूख थी। कितना आई सेंटर डेवलप होगा उनका कि सारा दिन उनको इन प्रश्नों का खाली क्या चाहिए था, उत्तर ढूंढना चाहते थे बेचारे। उन्होंने कई अलग अलग तरीकों के प्रयोग किए, उन्होंने अपना मन खुला रखा, हर सिद्धांत को एक अच्छा अवसर दिया, हर एक थ्योरी को, जो भी थ्योरी उनको देता था ना कोई, और ये जैसे भगवान बुद्ध के कितने गुरुओं के पास गए, सब गुरु बेचारे थक गए, उनको कहा कि हमको जितना ज्ञान था हम आपको दे दिया, अब आप आगे बढ़ो, आगे के गुरुओं के पास जाओ, हमारे पास से ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये भी बहुत सारे गुरुओं के पास गए और बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया, लेकिन वो सब थक गए, इनको उनका प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं। उन्होंने अपने हृदय को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। डॉक्टर सहज जी कौन से धर्म के थे? पारसी। वो क्या थे? पारसी थे, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लिए अपना दरवाजा खोल दिया, मुस्लिम धर्म के लिए अपना दरवाजा खोल दिया, क्रिश्चियनिटी के अपना दरवाजा खोल दिया, बुद्धिस्ट के लिए अपना दरवाजा खोल दिया, महावीर के धर्म के लिए भी अपना दरवाजा खोल दिया, नानक के धर्म के लिए भी अपना दरवाजा खोल दिया, जिसमें भी जो भी अच्छाई थी सबको क्या किया उन्होंने, अंतर लेने की कोशिश की, जैसे उनकी इन प्रश्नों का उत्तर वो खोज पाए। उन्होंने कई किताबों में खोजा, जैसे मैंने आपको बताया बिब्लियोग्राफी में कितने किताबों का वर्णन किया उन्होंने, कई किताबों में उन्होंने खोजा, पर वे अक्सर क्या रहे, हताश रहे। उनको जो प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए थे उनको कभी मिले, सेटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिला नहीं। उन्होंने आश्रमों की और गुरुओं की खोज की, मगर फिर भी क्या रहे, वो हताश ही रहे। ऐसा नहीं कि उनको गुरु नहीं मिले, ऐसा नहीं कि उनको आश्रम नहीं मिले, मिले, लेकिन जो सेटिस्फैक्टरी जवाब चाहिए था उनके प्रश्नों का वो उनको कहां से भी मिला नहीं। और जब ईश्वर ने देखा कि बेचारा ऐसा आकांक्षी है, क्या उसको भी तो दया आती है ना, कि इसके मन में इतने अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की अंदर ललक है और ये बेचारा कितना तड़प रहा है उसको खोजने के लिए और कोई इसका बरोबर मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तब उस प्रकृति को, उस ईश्वर को क्या आई, दया आई। क्या आई उनको? दया आई। और तब ईश्वर ने उन्हें अपने उन्नत बेटों में से एक के माध्यम से उनका क्या किया, मार्गदर्शन किया। कौन थे वो मार्गदर्शक, ईश्वर के बेटे? वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए, है ना। उस्ताद जो उनके मिले, जो उनके साथ पहली बार भेंट करने को गए थे और उनका नाम कहते हैं श्री रामा, जो कि डॉक्टर सहज जी के भी उस्ताद थे, और डॉक्टर तावरिया, जो मिस्टर तावरिया है, जो सहज जी के मामा है, जिसकी क्रियाएं हम आपको शाम को सिखाएंगे, रिफाइनिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उनके गुरु थे श्री रामा, रामालिंगम। रामालिंगम सुना होगा, है ना, कुछ ऐसे। मेरे को कल एक फोटो देखे गए हमारे लोकनाथन जी, इसमें वो रामालिंगम करके नाम है और उनकी टीचिंग ज़ेन योगा से क्या हुए मिलती जुलती है, तो ऐसा लगता है कि दोनों के गुरु कौन थे, उस्ताद कौन थे, वो स्वामी रामालिंगम, जो उनको मिले और उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हीं की शिक्षा का नाम क्या है, ज़ेन योगा। उनका नाम क्या रखा उन्होंने, इस टीचिंग का नाम क्या था, ज़ेन योगा। उनके ही मार्गदर्शन में डॉक्टर सहज जी ने धीरे धीरे प्रगति की, उनको पतंजलि योग सूत्रों का वो पांडुलिपि मिली और फिर उन्होंने गुरु का, इस उस्ताद का मार्गदर्शन मिला, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रगति की और उनके ही मार्गदर्शन में यह किताब जिसका नाम क्या है, ज़ेन योगा, उन गुरु के मार्गदर्शन में। क्यों मार्गदर्शन किया उन्होंने गुरु ने, उसका उनका क्या उद्देश्य क्या था, वेरी गुड, मानवता की भलाई के लिए ये किताब
गुरु के मार्गदर्शन में, उस उस्ताद के मार्गदर्शन में डॉक्टर सहर जी से लिखवाई गई। क्यों? क्योंकि बेचारे अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे और कहां पे भी उनको उत्तर मिल नहीं रहा था। तब ईश्वर को दया आई और अपने उन्नत बेटों में से एक से उनको मार्गदर्शन किया गया। उन्हीं की टीचिंग्स का नाम क्या है? ज़ेन योगा। डॉक्टर सहर जी कहते हैं जो भी कुछ इस लिखा गया है इसमें यदि कुछ समझदारी लगे, जब आप पढ़ोगे ये किताब और आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये तो कोई अच्छी चीज है, ये मुझे इसमें समझदारी लग रही है, तो कह रहे हैं ईश्वर को धन्यवाद करना, मुझे धन्यवाद नहीं करना कि डॉक्टर सहर जी ने लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने किसके माध्यम से लिखा है? उस ईश्वर के उन्नत बेटे ने मुझे जब मार्गदर्शन किया तब जाके मैंने ये किताब लिखी है। तो अगर आपको ये पढ़ने के बाद कुछ भी अच्छा लगे ना, तो मुझे धन्यवाद मत करना, उस ईश्वर को धन्यवाद करना कि उनका दिमाग आखिरकार जो उनके गुरु ने बताया था वो समझ सका। देखो गुरु लोग तो सबको बताते हैं, उन डॉक्टर जवान सर ने भी बहुत सारे लोगों को टीचिंग्स दी होगी, लेकिन सब लोग तो एक जैसा टीचिंग देते नहीं है ना, कुछ लोग अच्छी तरह टीचिंग लेके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनको धन्यवाद करना कि उन्होंने जो सिखाया था मेरे दिमाग ने उसको ग्रहण कर पाया मैं और उस पर मैं चल पाया, इसलिए धन्यवाद किसका करना? सहर जी का नहीं, उन गुरुओं का धन्यवाद करना। वो कहते हैं कि यदि पाठक को कुछ असंगत लगे तो समझना वे ही कुछ समझ नहीं पाए जो उनको समझाया गया था, या जरूर उन्होंने कुछ अपर्याप्त अपनी तरफ से जोड़ दिया हो। कि पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये तो बात मुझे समझ में नहीं आई, तो दोष उनको मत देना, क्योंकि उनकी टीचिंग तो शुद्ध थी। अगर कुछ दोष है तो या तो मेरे समझ में दोष है, या तो कुछ मैंने अपने तरफ से उसमें क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया, मैंने उसमें क्या कर दिया, मैंने कुछ मिलावट कर दी होगी, इसलिए शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पे भी दोष क्या आ रहे थे? देखो जो इस क्षेत्र में गहराई में जाता है ना, तो वो दोष अंदर ढूंढता है, किसी और को दूषित दोष नहीं देता। इसलिए कहते हैं अच्छा ही लगे तो उनका धन्यवाद करना, अच्छा ना लगे कुछ तो समझना कि मैं समझ नहीं पाया या मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलावट कर दी होगी। तो आपको भी कुछ अच्छा ना लगे ना, तो समझना मैं लेक्चर देने में कुछ दोष कर रहा हूं, या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, या मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ के आपको बता रहा हूं, न कि डॉक्टर सहर जी का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी है वो तो प्योर शिक्षा है ही है। यदि यह पुस्तक किसी उद्देश्य का पूरा करती है तो वह कहते हैं डॉक्टर सहर जी उन्हें खुशी होगी कि 30 वर्षों से अधिक के संघर्ष ने कुछ लोगों को सांत्वना दी। कितनी बात बता दें, एक किताब को लिखने के लिए 30 वर्षों की मेहनत, आज लोग ऐसे ही कॉपी बना के किधर से भी उठा के माल सामग्री लेके हैं और फॉरन आते जाते हैं, यहां से कुछ लिया, यहां से कुछ ढापा, यहां से कुछ ढापा, और क्या किया, एक किताब बना दिया, अपने नाम से क्या किया उसको प्रकाशित कर दिया, 6 महीने के अंदर किताब बना दी, क्योंकि यहां से माल लिया, यहां से माल लिया, हो गया। और इन्होंने कितनी मेहनत की है भाई, 30 वर्षों की मेहनत, उसके बाद जाके उनके प्रश्नों का उत्तर मिला, उनको गुरु मिले और उनके मार्गदर्शन में ये किताब लिखी। कितनी मेहनत से किताब उन्होंने लिखी है, यह बिना तड़क भड़क का योगा है, इट इज योगा विदाउट ग्लैमर, यहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं है, यहाँ पे बोले आज तक एक वीडियो भी नहीं है डॉक्टर सहर जी का यूट्यूब पे जो आपको मिले, मर मर के आपको ये फोटो मिला है जिसको हम लोग ने फ्रेम बनाया यहाँ पे, तो फोटो मिलना भी दुर्लभ है डॉक्टर सहर जी के यूट्यूब पे और गूगल पे, फोटो भी कुछ 2-3 फोटो अवेलेबल है बस, लिटरेचर और उनके बारे में कोई वीडियो तो एक भी नहीं है। तावरिया जी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं उनके मामा के, लेकिन सहर जी का एक वीडियो नहीं, क्योंकि वो तड़क भड़क में कभी विश्वास करते नहीं थे। और आजकल के गुरु महात्मा तो पहले वीडियो यूट्यूब में, हमारा प्राणायाम करो, हमारा प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, ये चेयर योगा करो, लाफ्टर योगा करो, और क्या करो, आजकल क्या बना है, कौन सा योगा, फास्ट योगा जो कराते हैं, कौन सा, पावर योगा करो, पावर योगा करो, अलग अलग प्रकार के योगा, और उसका प्रचार यूट्यूब पे होता है। ये क्या है, तड़क भड़क वाला योगा है, योगा विद ग्लैमर है ना, रामदेव जी महाराज सिखाते हैं ये करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये क्या है, ये सब तड़क भड़क का शास्त्र है, यहाँ पे कोई तड़क भड़क नहीं है। यहाँ बता दें यह योगा तड़क बिना के बिना योगा है, जो आप करते हो वो पूरी तरह आपके और आपके ईश्वर के बीच में होगा, और किसी भी आदमी को इसका पता भी नहीं चलना चाहिए।
ये तो ऐसा ज्ञान है जो मुझसे रहा नहीं गया, जो मैं आपको बांट रहा हूँ। नहीं तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी अनुभूति सिर्फ मेरे अंदर ही सीमित होनी चाहिए, उसको चर्चा करके बताना नहीं है। अरे मैंने 3 स्टेप का अभ्यास किया, मुझे तो ये अनुभव आ गए और आपने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, तो ये नहीं है। ये आपके और आपके ईश्वर के बीच में क्या है, डायरेक्ट वार्तालाप है। कोई तीसरा व्यक्ति उसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे तड़क भड़क के बिना योग है। डॉक्टर सहज जी कहते हैं कि इस किताब में आपको आसान व्यावहारिक विचार मिलेंगे जिन्हें सफलतापूर्वक जांच करके आजमाया गया है। आप भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, तथा इसका अभ्यास करके सफल हो सकते हैं। जो कहां से हम्बलनेस से बोलते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो नहीं करो, कंपल्सरी नहीं कह रहे, करो ही करो। नहीं तो गुरु लोग बोलते हैं करना ही पड़ेगा, ये मंत्र दिया है ना, आज के बाद 1 साल तक प्रॉमिस करो, रोज 108 बार जप करोगे। तो यहाँ पे कुछ जप नहीं, कुछ आपको गले में कुछ जबरदस्ती वो माला नहीं पहना रहे बाबा, ये लो आज से आपको माला पहना ली, आप दीक्षित हो गए, 108 कणों वाली क्या बहनो माला पहना दो, पहनाते ना सन्यासी बन गए, नाम भी बदल देते लो अपना। देखो अपने वस्त्र चेंज करते हैं लोग, अपने को सन्यासी, सन्यासी सो एंड सो कृष्णानंद, पहले नाम था कोई रमेश चंद, अभी क्या हो गया कृष्णानंद हो गए, सन्यासी हो गए हम लोग। हम तो भाई दीक्षित हो गए क्योंकि हमको क्या मिली है, ये क्या मिली है, माला मिली है, जो मैं सारा दिन जपता हूँ लोगों को दिखाते हैं। तो ये तड़क भड़क का योगा नहीं है भाई, ये आपके और आपके ईश्वर के बीच में वार्तालाप है। तीसरा कोई आदमी जान नहीं सकते, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करोगे तो सफल हो सकते हो। सफलता यानी आपको CCS तक आपको जरूर पहुंच सकते हो, खास करके इस जीवन में और इस पूरी सृष्टि में कुछ भी निरर्थक रूप से नहीं बनाया गया है। आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ भी हासिल करना हो ना तो कीमत जब तक चुकाओगे नहीं जीवनंदन तब तक हासिल नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। तो ये आपको कीमत चुकानी पड़ेगी तो जाके आपको क्या होगा, इस मार्ग में आपकी प्रगति होगी। जैसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देते हैं, लोग सोचते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर क्या किया, हाथ रखा और वो इनलाइटेड हो गए, ऐसा सुना है लोगों ने, हाथ रखा और क्या हो गया वो तुरंत क्या हो गए CCS को पहुंच गए और इनलाइट हो गए। अरे किसी को ये कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि बेचारे विवेकानंद ने कितनी मेहनत की थी उस क्षण को हासिल करने के लिए, अपने गुरु के आशीर्वाद को हासिल करने के लिए उन्होंने कितने सालों तक मेहनत की थी, तब जाके उनको वो क्षण मिला जब उनके गुरु ने हाथ रखा और फिर उनका इनलाइटेड हुआ। तो ये कोई बताने को तैयार नहीं है। डॉक्टर सहज जी कहते हैं कि ये किताब उस महान आत्मा को समर्पित है जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया, वे इतने अयोग्य खुद को क्या बता रहे हैं, अयोग्य, इतने योग्य इंसान खुद को क्या बता रहे हैं, हम्बल, इतने हैं कि बोल रहे हैं मैं इतना अयोग्य था लेकिन मुझे गुरु का मार्गदर्शन मिला तब जाके मैंने क्या की, यह किताब लिखी। वे कहते हैं अगर हम थोड़े से भी वैसे बन सके जैसे वे थे तो निश्चित रूप से भगवान बहुत ही अद्भुत होंगे, उस गुरु की जैसा जिन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। थोड़े से भी हमारे संस्कार होंगे जैसे आ गए ना तो ईश्वर तो जो उनके भी ऊपर बैठा है वो कितना अद्भुत होगा। ये हमारे गुरु ही इतने अद्भुत हैं और हम तो कहते हैं सहज जी इतने अद्भुत हैं, सहज जी के गुरु कितने अद्भुत होंगे और फिर उतना ईश्वर कितना अद्भुत होगा जिनके उन्नत पुत्र ने सहज जी को मार्गदर्शन दिया और यह किताब लिखवाई। वो कहते हैं 1000 मील की सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। वो कहते हैं अगर आपको 1000 मील आगे सफर तय करना हो ना तो पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा भाई। और मैं तो हम खुद को लकी समझते हैं कि जब से किताब आई है हमने वो पहला कदम उठा लिया है। आप लोगों ने भी एक कोर्स ज्वाइन करके क्या किया है, पहला कदम तो उठा ही लिया है, आज उस पहले कदम को लीजिए और ईश्वर आपके साथ है। वो कहते हैं आपने किताब लिया है ना, आपने किताब पढ़ना शुरू किया है, आपने पहला कदम उठा लिया है, अब आपके साथ ईश्वर हमेशा साथ रहेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। हम कहीं से तो आए हैं और कहीं तो जा रहे हैं, निश्चित रूप से ब्रह्मांड के रचयिता ने शायद ही ऐसा कोई रास्ता बनाया हो जो कहां पे भी न जाता। We have come from somewhere, हम कहीं से तो आए हैं, है ना, ब्रह्मांड से आए हैं और कहीं तो हम जा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी रास्ता हो ईश्वर ने बनाया नहीं हो जो कहां जाता ना हो। लेकिन पहुंचने की गारंटी कैसी है वही बताते हैं, अंतिम पंचिंग लाइन बताते हैं इस इंट्रोडक्शन की कि आगमन की गारंटी किसने है, अभ्यास ने। मार्ग तो बना है, ईश्वर ने मार्ग बनाया है, वो कोई भी रास्ता बिन मंजिल तक पहुंच के वो जाता नहीं है, रास्ता अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचता है लेकिन वो पहुंचने की गारंटी किसमें है,
जब आप क्या करोगे भाई, अभ्यास करो। तो अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, अपनी वासना को बदलना पड़ेगा। वासना बदलेगी तो क्या होगा, गहरी रुचि निर्माण होगी। गहरी रुचि निर्माण होगी तो क्या होगा, उत्साह, उत्साह निर्माण होगा। उत्साह निर्माण होगा तो क्या होगा, आपकी हाइटेंड सेंसिटिविटी हो जाएगी, आपकी संवेदनशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके अनुभव और ज्यादा आपको आएंगे जिससे आप इस मार्ग पे आगे टिक रहोगे। और जो अभ्यास आप करोगे ना वो रोज आप कर पाओगे अगर आपके अंदर क्या हो गई, गहरी रुचि निर्माण हो गई। तो ये आध्यात्मिक सफलता के कुछ नियम बताते हैं डॉक्टर सहज जी इस इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन पूरा करते हैं। शिवनंदन जी आप कुछ बोलोगे, वासना कैसी रखनी चाहिए, वासना कैसी बदलनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, हम रख नहीं सकते उसको, हम उसको बदल सकते हैं। तो आपको पहले अंदर में हमारे क्या बुरी आदतें हैं उसको पहले पकड़ना है, और उसको पकड़ने के लिए जो सबसे पहला चैप्टर है इस किताब का, चैप्टर वन, वो है ड्रिफ्ट वॉचिंग, वो करनी है, वो हम आपको शाम को बताएंगे कि कैसे आपको अंदर ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी है और अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी वासनाएं हैं, उसको बदल के अच्छी वासनाएं में उसको कन्वर्ट करना है। लेकिन वो तंत्र मंत्र कब करेंगे, जब हम खाने के दौरान उसका प्रयोग करेंगे तो हम वासनाएं को बदलेंगे। वासना बदलेगी तो अपने आप इस क्षेत्र में इंटरेस्ट निर्माण होगा और हम इसको अभ्यास लंबे समय तक कर पाएंगे। थैंक यू, हरिओम।